आइएगा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो हम करेंगे अब सॉल्यूशन नंबर 4। देखिए इसने क्या बोला है, यूजिंग द अल्टमैन्स मॉडल 1968 यानी ओरिजिनल फॉर्मूला ऑफ द कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस प्रिडिक्शन कैलकुलेट द जेड स्कोर ऑफ एस एंड कंपनी लिमिटेड हुज 5 अकाउंटिंग रेशियोज आर गिवन एज बिलो एंड कमेंट ऑन इट्स फाइनेंशियल पोजिशन। अब उसने आपको 5 और रेशियो निकाल कर दिए हैं, हमें केवल और केवल क्या करना है, जेड स्कोर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो जेड स्कोर इज इक्वल टू 1.20x1, 1.40x2, 3.30x3 प्लस 0.60x4 प्लस 1x5, 1x5। तो अब हमारे पास रेशियो से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.25 इंटू 25% प्लस 1.40 इंटू 30% प्लस 3.30 इंटू 15% 0.60 इंटू 150% प्लस 1 इंटू 2। आ गया 1.2 इंटू 25%, 0.30 प्लस 1.4 इंटू 30%, 0.42 प्लस 3.3 इंटू 15%, 495 प्लस 0.6 इंटू 150% प्लस 2। विटमान मॉडल्स निकाल लीजिए, 0.3 प्लस 0.42 प्लस 0.495 प्लस 0.9 प्लस 2, 4.115। ये लीजिए, कमेंट लिखें, सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जेड स्कोर इज हायर देन 2.99,
इट कैन बी स्ट्रॉन्गली प्रिडिक्टेड प्रिडिक्टेड दैट द कंपनी इज अ नॉन बैंकरप्ट कंपनी, नॉन बैंकरप्ट ये लीजिए, जो कंपनी है वो क्या है, नॉन बैंकरप्ट कंपनी है। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। बताइए क्लियर है? बिल्कुल, सारे रेशियोज आपको दिए हुए थे, आपको सिंपली बस उस रेशियो को वहां पर अप्लाई करके कमेंट करना था। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। आइएगा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एमटीपी जून 2020। तो आइएगा, सॉल्यूशन 6, इसने क्या बोला है, यूजिंग दी अल्टमेंस मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन कैलकुलेट द जेड स्कोर ऑफ एक्सेंट कंपनी वेयर द 5 अकाउंटिंग रेशियोज आर एज फॉलोज, वेयर द 5 अकाउंटिंग रेशियोज आर एज फॉलोज एंड कमेंट अबाउट द फाइनेंशियल पोजिशन। वर्किंग कैपिटल टू टोटल असेट रेशियो दे रखा है, रिटेन्ड अर्निंग टू टोटल असेट रेशियो दे रखा है, ईबीआईटी टू टोटल असेट रेशियो, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी टू द बुक वैल्यू ऑफ टोटल डेट और सेल्स टू टोटल असेट। देखिएगा सिंस फॉर रेशियो एक्सपोर बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी इज गिवन, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी इज गिवन इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। सो और कैलकुलेटिंग जेड स्कोर वैल्यू
फॉर कैलकुलेटिंग जेड स्कोर वैल्यू वी मस्ट अप्लाई रिवाइज्ड रिवाइज्ड जेड स्कोर मॉडल। तो हम क्या करेंगे, हम रिवाइज्ड जेड स्कोर मॉडल को अप्लाई करेंगे। सो जेड इज इक्वल टू 0.717 एक्स वन पॉइंट 847 एक्स टू थ्री पॉइंट 107 एक्स थ्री प्लस 420 एक्स फोर प्लस 0.998 एक्स फाइव। नाउ अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सेवन वन सेवन इंटू 0.350 प्लस 847 इंटू 50% थ्री पॉइंट 107 420 इंटू 1.65 0.998 इंटू टू। नाउ अब आप इसके सारे फैक्टर्स निकाल दो। 0.717 इंटू 0.350 तो आ गया 0.847 इंटू 50% 0.4235 प्लस 3.107 इंटू 19% 0.59033 प्लस 0.420 इंटू 1.65 0.998 टोटल कर दीजिए इसका 0.25 प्लस 0.4325 प्लस 0.59033 प्लस 0.693 प्लस 1.996 या गया 3.97। क्या ये 2.99 से ज्यादा है? बिल्कुल 2.9 थी ना, इसकी लिमिट कितनी थी? 2.9। लिमिट चेक करो एक बार।
कमेंट सिंस सिंस कैलकुलेटेड जेड स्कोर वैल्यू दैट इज 3.96 इज हायर देन 2.99 It can be strongly predicted that the company is non-bankrupt company. ये लीजिएगा, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स का, ठीक है। क्योंकि यहां पर मुझे जो है वो बुक वैल्यू का रेशियो दिया हुआ था, तो मुझे इससे हिंट मिल गई कि मुझे जो आंसर निकालना है वो रिवाइज्ड जेड स्कोर से निकालना है, ओरिजिनल जेड स्कोर से आपको नहीं निकालना। आइएगा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर वन जो है जून 2017 का। सॉल्यूशन वन देखिए इसने क्या बोला है, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज ऑन 31 मार्च 17। आपको बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट दिया है 31 मार्च 17 का। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको नेट सेल्स दे रखी है, पीई रेशियो दे रखा है, डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा है, डिविडेंड पर शेयर दे रखा है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट दे रखी है। यूजिंग द अल्टमेंस मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस प्रिडिक्शन कैलकुलेट द जेड स्कोर ऑफ द कंपनी एंड इंटरप्रिटेट योर रिजल्ट। तो आइए सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ फाइव relevant ratios calculation of five relevant ratios x1 वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। तो पहला रेशियो है वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल असेट, वर्किंग कैपिटल आती है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो आपके पास करंट असेट तो है 2 लाख की, ठीक है ना, 1,25 का तो स्टॉक है, 75 का डेटर, और माइनस करंट लाइबिलिटी है 3 लाख।
ये आ गया हमारे पास -1 लाख। -1 लाख नेगेटिव डिवाइडेड बाय टोटल असेट आपके पास है 14 लाख। 14 लाख क्यों? टोटल असेट साइड का दे रखा है 1425, उसमें से 25 हट जाएगी क्योंकि जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं वो हमारी असेट नहीं है। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख, ये आएगा नेगेटिव का 0.071। X2, अब X2 का फॉर्मूला क्या था हमारे पास बताइए? रिटेन्ड अर्निंग्स रिटेन्ड अर्निंग्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट। तो रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है आपके पास? 25 के रिजर्व एंड सरप्लसेस दे रखे हैं और इसमें से 25,000 की फिक्टिशियस असेट हटा दो तो आपके पास जो रिटेन्ड अर्निंग्स आएगी वो 2 लाख हो जाएगी। और डिवाइडेड बाय टोटल असेट हम ऑलरेडी 14 लाख निकाल चुके हैं। दो लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख 0.1429। ये लीजिए आपका रेशो नंबर 2 आ गया। रेशो नंबर 3, रेशो नंबर 3 क्या है हमारा? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल असेट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल असेट। आइए अब आपको चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब देखिएगा हमें ये जो ऑपरेटिंग रेशो निकालना है ईबीआईटी अपॉन टोटल असेट, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले ईबीआईटी पर।
अब प्रॉब्लम ये, हमारे पास ईबीआईटी के लिए डेटा नहीं है, हमें डेटा क्या क्या दिया हुआ है, पीई रेशियो, डिविडेंड पेआउट रेशियो और डिविडेंड पर शेयर। तो हमें दिया हुआ है डिविडेंड जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो आपको दिया हुआ है 50%। ये कैसे निकला होगा 50%? डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100 इज इक्वल टू लगा होगा 50%। 20 अपॉन ईपीएस इज इक्वल टू 50 अपॉन 100, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 50 ईपीएस इज इक्वल टू 2000, ईपीएस आ गई 40 रुपए। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 4 लाख डिवाइडेड बाय 100 यानी 4000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्लियर? तो अब हम सबसे पहले अर्निंग्स निकाल सकते हैं। चालीस इंटू 4000, ये हमारे पास अर्निंग्स आ गई 160। ठीक है, क्या क्वेश्चन में कोई प्रेफरेंस शेयर्स है? नहीं है, तो यानी ये जो अर्निंग्स है यही बेसिकली हमारा पीएटी बना, और टैक्स रेट 50% है। इसमें हम प्लस कर देंगे टैक्स एट द रेट 50%, तो ये जो अर्निंग्स हैं 160, ये आफ्टर टैक्स हैं, तो ये 50% है, तो टैक्स का अमाउंट भी आ गया 160, तो टोटल हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,20,000। अब इसमें प्लस कर दूंगा इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट का डेटा देखो, एक तो है 12% डिवेंचर यानी 3 लाख पे 12% इंटरेस्ट है, ऑन डिवेंचर्स 36,000, और दूसरा है 2 लाख पे 10% लोन पर, ऑन लोन्स 20,000। तो अगर आप पीबीटी में आई जोड़ दोगे तो आपके पास ईबीआईटी आ जाएगा। ये लीजिए, ये हमारे पास ईबीआईटी आ गया। तो अब हम X3 जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय असेट। सो so,
ईबीआईटी है 376 डिवाइडेड बाय असेट हमारे पास है 14 लाख, तो रेशो आ जाएगा पॉइंट 2685 86। ये लीजिए, ये हमारे पास X3 आ गया। नेक्स्ट, अब हम निकालेंगे X4। ठीक है, तो अब देखिएगा X4 का फॉर्मूला क्या था आपके पास, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा, एमपीएस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। और एमपीएस निकलता है ईपीएस इनटू पीई रेशियो, तो ईपीएस आपने निकाली अभी 40 × 10, तो एमपीएस हो गई 400, तो मार्केट वैल्यू हो गई 400 × 4000। ये लीजिए, ये तो हमारे पास आ गई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 16 लाख। बताओ क्लियर। अब हमें चाहिए टोटल लाइबिलिटीज, तो देखिएगा टोटल लाइबिलिटी में आपके पास है 3 लाख के तो डिवेंचर, 2 लाख के लोन और 3 लाख की करंट लाइबिलिटी। तो इसका मतलब आपके पास ये कितना आ गया, टोटल लाइबिलिटी 8 लाख, 3 और 2 5, 5 और 3 8 लाख। सोलह लाख डिवाइड बाय 8, ये 2 आ गया। नाउ लास्ट फॉर्मूला बचा X5, तो X5 क्या था आपका, सेल्स टू टोटल असेट। सेल्स दे रखी है 20 लाख, डिवाइड बाय टोटल असेट आपके पास है 14 लाख। वन पॉइंट 4286, ये लीजिए हमारे पास ये सारे रेशो आ गए। अब हम जेड स्कोर निकाल सकते हैं। हेंस जेड स्कोर इज इक्वल टू
1.2x1, 1.4x2 प्लस 3.30x3 प्लस x4 प्लस इनटू, अब बताइए x1 कितना निकाला था हमने, नेगेटिव का 0.714, वन पॉइंट फोर इंटू सेकेंड रेशियो निकला था आपका 0.1429, 3.30 इंटू 0.2686 प्लस 0.60 इंटू 2 1.4286। लीजिए अब जेड स्कोर की वैल्यू निकाल लो, 1.2 इंटू 0.0714 ये नेगेटिव आएगा, माइनस का 0.0857 प्लस 1.4 इंटू 0.1429 प्लस 3.3 इंटू 0.2686 8864 प्लस 4286, सॉल्व कर दीजिए इसको, 0.2001 प्लस 0.8864 प्लस 2.2 प्लस 1.4286 और माइनस 0.0857, तो ये आ गया 3.69, तो सॉरी 3.6294। ये आपका जेड स्कोर की वैल्यू आ गई 3.6294। देख लीजिए क्या क्लियर है बिल्कुल, ये पॉइंट सारे रेशियोज निकाल दिए और उससे हमने जेड वैल्यू निकाल दी। नाउ इंटरप्रिटेशन दे देते हैं अपन इसका। कमेंट सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जेड स्कोर, सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जेड स्कोर इज मोर देन 2.99, इट कैन बी स्ट्रॉन्गली प्रिडिक्टेड
strongly predicted that the company is a non-bankrupt company. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे पास है, जो हमारे स्टडी मटेरियल में भी है और हमारे एग्जाम में भी आया, कौन से अटेम्प्ट में, जून 2017। ये पहला रेशो था, ये दूसरा रेशो, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये पांच रेशियो निकाल लिए और फिर जेड स्कोर से हमने अपना आंसर कैलकुलेट कर लिया। बताइए क्लियर है? बिल्कुल। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास किस में बनेंगे? जेड स्कोर में बनेंगे। तो दो हो गए हमारे पास, एक तो ओरिजिनल फॉर्मूला और एक है हमारे पास रिवाइज्ड फॉर्मूला। क्या बताइए, यहां तक की बात आप सभी को क्लियर है? बिल्कुल।